वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल की डिस्क्राइब कमांड के बारे में पढ़ेंगे। इसके थ्रू हम किसी भी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हमने उसमें कौन कौन से कॉलम्स यूज किए हैं, उनका नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है या डेटा टाइप का साइज क्या है, और बाकी भी जो भी हमने वहाँ पे वैलिडेशन कुछ पुट की हैं वो सारे ही हमें कॉन्स्टेंट्स के साथ शो करेगा। उसके लिए डिस्क्राइब कमांड यूज होती है। डिस्क्राइब को आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर DESC फर्स्ट फोर करेक्टर्स लिख के उसके बाद आप जिस टेबल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं उस टेबल का नेम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एम्प्लॉय टेबल को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे लिखेंगे, डिस्क्राइब एम्प्लॉय या फिर DESC एम्प्लॉय। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम से टेबल है, हमें अगर उसका स्ट्रक्चर व्यू करना है तो हम उसके लिए डिस्क्राइब और फिर टेबल का नेम इस तरह से, और इसको हम रन करेंगे तो ये हमें यहाँ पर देखिए पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा है कि टेबल का नेम एम्प्लॉय है, उसके अंदर कॉलम्स, ये जो नीचे हमारे ये कॉलम्स हैं, फिर हर कॉलम के साथ उसका डेटा टाइप दे रखा है कि किस टाइप का है, और उसकी लेंथ, प्रिसीजन, स्केल, ये सब दे रखा है। हमने अभी कॉन्स्टेंट्स कुछ पुट नहीं किए हैं तो प्राइमरी की, नलेबल, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये उनके बारे में भी हमें शो करता है। तो इस तरह से आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।